सिवनी मालवा में एक माह पूर्व एवं चार दिन पूर्व ही पुलिस कर्मी बनकर ठगी की वारदातों में अंजाम देने वाले एक आरोपी को नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कासिम पिता अफसर सैयद, उम्र 32 वर्ष, महाराष्ट्र के कल्याण का रहने वाला बताया जा रहा है तथा लंबे समय से नर्मदापुरम के बालागंज इलाके में रह रहा था। पुलिस इसके तीन अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपी पर महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश के भी अन्य कई थाना क्षेत्रों में कई ठगी सहित लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। एसडीओपी राजू रजक के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा सीसीटीवी कैमरे एवं तकनीकी सहायता से आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल पर चार पहिया वाहन का नंबर लिख उसका उपयोग किया जा रहा था, जिससे कि गाड़ी से आरोपी पकड़ा ना जा सके। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में कासिम पिता अफसर सैयद, उम्र 32 वर्ष, निवासी गोलटोली नर्मदापुरम को गिरफ्तार किया गया है। वही अमिता पिता अफसर खान, उम्र 32 वर्ष, जाहिद उर्फ बोलू पिता अफसर खान, उम्र 40 वर्ष, गटरा उर्फ अप्पा पिता अफसर खान, उम्र 25 वर्ष, निवासी गोलटोली नर्मदापुरम फरार है, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। आरोपी के पास से पुलिस के द्वारा एक सोने की पुरानी इस्तेमाल अंगूठी, घटना में उपयोग लाई गई काली मोटरसाइकिल तथा घटना में उपयोग किया गया मोबाइल जब्त किया गया है। वही आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इन आरोपियों के द्वारा अधिकांश बुजुर्गों को ही निशाना बनाया जाता है। पहले ये ऐसे लोगों को देखते थे जिनके द्वारा सोने के गहने पहने गए हो, उसके बाद मौका देखकर ये बदमाश खुद को सीआईडी या पुलिस कर्मी होना बताकर उनसे गहने उतरवा कर उसे कागज की पुड़िया बना लेते थे तथा बुजुर्ग के हाथ में पुड़िया देकर बोल देते थे कि इसे जेब में रख लो, गहने पहनकर मत घूमा करो, और वहाँ से निकल जाते थे। जब लोगों के द्वारा पुड़िया खोलकर देखा जाता था तो किसी की पुड़िया में पत्थर तो किसी की पुड़िया में नकली अंगूठी निकलती थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उस स्थान से फरार हो जाते थे। पूरे मामले में पुलिस टीम में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉक्टर गुरुकरण सिंह के द्वारा पदक से इनाम देने की घोषणा की गई है। पूरी कार्रवाई के दौरान सिवनी मालवा थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, शिवपुर थाना प्रभारी विवेक यादव, डोलरिया थाना प्रभारी कुमान सिंह पटेल, उप निरीक्षक थाना कोतवाली बिपिन पाल, संजय पांडे, सहायक उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, प्रधान आरक्षक थाना माखन नगर प्रीतम बाबरिया, आरक्षक महेंद्र गुजर, धर्मेंद्र राजावत, बसंत लोंगरे, ओम प्रकाश जाट, अजय बामने, अंकित धनकर, मुकेश जाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर क्या मामला हुआ है, ये पूरा किस प्रकार से गिरफ्तार हुआ है? ये मामला 28 तारीख को एक रमेश रायखेरे नाम के व्यक्ति थे जिनको दो मोटरसाइकिल वालों द्वारा रोका गया और उनको बताया गया कि चेकिंग चल रही है और आपके द्वारा ये सोने की चेन वगैरह आदि पहन के घूमा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, इनको उतारिए और इनको हमको दीजिए। इसी बीच में दो व्यक्ति और इन्हीं के साथ के जो थे लुटेरे वो आ गए, कुल ये चार आदमी हो गए और इनसे चेन उतरवा के, जिसमें एक पेंडल भी था वो उतरवा के, और दो अंगूठी नकली इनको दे दी और इनसे बोला कि आप जाइए सीधे और अब आप बिल्कुल इसको देखना मत और 5 मिनट बाद फिर आप यहाँ से जाइएगा। ये वहां रुक गए, इनको फिर कुछ डाउट हुआ, इनके द्वारा देखा गया तो वो पुड़िया जो इनको दी थी उसमें दो अंगूठी जो थी वो नकली थी। इनके द्वारा पुलिस सिवनी मालवा को बताया गया, टीआई साहब को बताया गया और जब इनके द्वारा मेरे को भी बताया गया तो मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया तो एसपी महोदय द्वारा काफी गंभीरता से इसको लिया गया और एसडीओपी राजू रजक के नेतृत्व में एसओ शिवपुर विवेक यादव, एसओ डोलरिया हुमान सिंह, टीआई सज्जन सिंह, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज को देखने के निर्देश दिए गए श्रीमान एसपी महोदय द्वारा। उन्हीं के आदेश के निर्देशानुसार हम लोग फुटेज तलाशते हुए हम लोगों की पूरी टीम होशंगाबाद पहुंची और वहां पर जाने के बाद वहां कोई लोकेशन फिर कहीं का नहीं मिल रहा था,
तो इससे अंदाजा ये लगा गया कि आरोपी होशंगाबाद के ही है। फिर वहां हमारी टीम जो गई हुई थी एसओ शिवपुर और एसओ डोलरिया के नेतृत्व में, उनके द्वारा जब बिल्कुल पतारसी की गई और कॉल डिटेल वगैरह जब आए देखा, तो वहां पर चार आरोपियों का पता चला कि ये बुलेट मोटरसाइकिल और एक हीरो की गाड़ी मोटरसाइकिल, ये एक कासिम नाम का है, ईरानी है ये लोग, और एक बोलू उर्फ जाहिद, और एक हमीदा और एक गटरा उर्फ अप्पा, ये व्यक्ति हैं जो ऐसी वारदातें कर रहे हैं। वहां टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एक आरोपी कासिम सनाफ अफसर सैयद 22 साल ईदगाह मोहल्ला को पकड़ा गया। उसको पकड़ के थाने लाया गया। थाना लाने पर उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो ये व्यक्ति बॉम्बे का निकला है और इसके खिलाफ भी काफी अपराध लूट के और दूसरे धाराओं के रजिस्टर्ड हैं बॉम्बे में। जब इससे पूछताछ की, तो इसके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा यहाँ पर 3 वारदातें करना बताया इसने कि हमारे द्वारा 3 वारदातें यहाँ की गई हैं, और तीनों में ये चारों ही कासिम, बोलू और जाहिद, हमीदा और गटरा और अप्पा, इन चारों ने मिलकर ये वारदातें की हैं। और इनके पूछताछ के दौरान इनके जो अंगूठी जो इनने निकाली थी, ये थे शंकरलाल तिवारी, इनसे जो अंगूठी छुड़वाई थी वो भी इनसे बरामद हो गई है। एक जो इस्तेमाल हुई थी मोटरसाइकिल बुलेट काले रंग की, वो भी जब्त हुई है, और आरोपी का मोबाइल भी जब्त हुआ है। तो क्या रिलेशन है ये चारों में, आपसी जमीनी रिलेशन है और भी ये ईरानी जाति के हैं, आपसी तीन तो भाई भाई हैं और एक बहनोई है, बहनोई कासिम बहनोई है इनका। तो इनका एक पूरा गैंग है जो ऐसी वारदात करता है, और पूरे जिले में ये वारदातें हो रही थी। तो अभी जैसे ये लोग फरार हैं, जैसे इनको गिरफ्तार करते हैं, पार्टियां हमारी रवाना है, और जैसे इनको जो 3 आरोपी और हैं इनको जैसे ही पकड़ते हैं, तो अपने जिले की काफी वारदातों का खुलासा होने की पूरी संभावना है। सर, किस तरह चोरी की वारदात करते थे? बताया गया है कि पुलिस की वेशभूषा में रहते थे। ये क्या है, काफी वृद्ध लोगों को अपना टारगेट बनाते थे और उनको ही बताते कि जो सीधा साधा देखते थे, ये लोग पूरा उसको वॉच करते थे, फिर उसके पीछे लगते थे और बताते थे कि पुलिस की चेकिंग चल रही है। खाकी पेंट पहन लेते थे, अमूमन आदमी जो काफी उम्र वाला है और सीधा साधा है, वो इनके उसमें झांसे में आ जाता था और फिर वो ये वारदात करते थे, उसको पुलिस बताते थे, खुल को पुलिस बताते थे। सर, दूसरे राज्यों में भी इन पर मामले दर्ज हैं? लगभग कितने मामले दर्ज हैं? ये अंतरराज्यीय गिरोह है ये, और इनपे काफी मामले हैं। इसके कासिम के खिलाफ भी 20-25 अपराध हैं, और दूसरों के अपराध हमने बुलाए हैं, और ये पूरे मतलब काफी अंतरराज्यीय गिरोह था जो सिवनी माला पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इनका नेटवर्क अन्य जिलों में फैला हुआ? पूरे राज्य में फैला हुआ।